अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियां अता फरमाए। जो स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम्स के हवाले से परेशान थे, अल्लाह ताला ने आप लोगों की सुन ली है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे भी आप लोगों के लिए बेहतरीन वाला मामला फरमाएगा। तो आप लोगों को बताते चलें कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आई है, आप लोगों के एग्ज़ाम्स के पोस्टपोन के हवाले से। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी ने फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप लोगों के जो एमए, एमएससी, बीकॉम, एलएलबी के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 9 सितंबर से, उनके हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन किए गए हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज थे कि शायद सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन नहीं किया गया। आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जारी किया था, जहाँ पर लिखा है, इसकी हेडिंग जो है वो लिखा है फ्लड अफेक्टेड एरियाज नोटिफिकेशन। तो इसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा के जितने भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, जहाँ पर सैलाब आया हुआ था, वहाँ के इलाकों में जो स्टूडेंट्स एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स और इसके साथ एमए, एमएससी, एलएलबी, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, इनका जो एग्ज़ाम्स जिनका स्टार्ट होने वाला था 9 सितंबर से, उनको हमने जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। और इसके साथ लिखा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बाद में बताया जाएगा कि कब कंडक्ट करना है। और इसमें जो है वो सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि इन एग्ज़ाम्स के लिए जब हम दोबारा से बाद में आप लोगों का एग्ज़ाम्स लेंगे, उसको स्पेशल एग्ज़ाम्स कहा गया है। तो स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों की दोबारा से फीसिस जो हैं वो चार्ज नहीं की जाएंगी। आप लोगों की जो फीसिस आप लोगों ने अदा की हुई हैं एडमिशन के वक्त, वही फीसिस आप लोगों की रहेंगी। और दोबारा से आप लोगों को एडमिशन भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि जो एडमिशन आप लोगों ने भेजे थे उन्हीं को देखा जाएगा। और जो जो स्टूडेंट्स फ्लड अफेक्टेड एरियाज में रहते हैं, जहां पर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद किए गए हैं सैलाब की वजह से, सिर्फ वहीं पर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप लोगों का एग्जाम्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो तब आप लोगों के एग्ज़ाम्स का जो शेड्यूल है स्पेशल एग्ज़ाम्स का, वो जारी किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। बहुत सारे बेचारे स्टूडेंट्स थे जो परेशान हो गए थे कि हमारा क्या बनेगा, तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आप लोगों की सुन ली है, आप लोगों की फीसिस भी ज़ाया नहीं होंगी, उन्हीं फीसिस में आप लोग दोबारा से जो है वो एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। लिहाजा आप लोग वेट कीजिए अपने नेक्स्ट जो है वो अनाउंसमेंट होने का आप लोगों के एग्जाम्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, आप लोग भी उम्मीद रखें, अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। तो स्टूडेंट्स, जाते हुए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।